और वहीं आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तीनों नगर निगमों में कंफेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज ने धमकी दी है कि अगर 3 दिन में कर्मचारियों की तनख्वाह पेंशन नहीं मिली तो सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि ए बी सी और डी ग्रुप के कर्मचारियों का वेतन पिछले 2 महीनों से नहीं मिला है, सेवानिवृत्ति के लाभ भी करीब 2 साल से नहीं दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के नेताओं से होर्डिंग का पैसा वसूला जाए तो कभी यहां पर सभी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दी जा सकती है। दिल्ली सरकार ने एक एक बकाया रुपया एमसीडी को दे दिया है। दिल्ली को बदनाम करने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है। 2 महीने से सभी एम्प्लॉयज की पेंशन जो है, जो एक्स एम्प्लॉयज हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन नहीं दी गई है। करीब 2 साल से बोनस नहीं दिया गया है कर्मचारियों को। करीब इतने ही समय से सैलरी के अंदर डीए पेंडिंग है और मेडिकल रिएम्बर्समेंट और जो बाकी रिएम्बर्समेंट्स होती हैं वो भी कई सालों से पेंडिंग है। रिटायरमेंट बेनिफिट करीब 2 साल से नहीं दिए गए और ये हालत नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। पैरामेडिकल स्टाफ, रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं दी जा रही। उनके यहां से भी धमकी दी गई है कि अगर उनकी तनख्वाह 2 या 3 दिन के अंदर नहीं दी गई तो वो भी हड़ताल पे जाने वाले हैं। आप पूरी दिल्ली के अंदर घूम के देखिए, एक एक होर्डिंग दिल्ली का जिसका किराया 1.5 लाख से 3 लाख रुपए महीना है, उसके ऊपर भाजपा की एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। 1 रुपया भी रेवेन्यू के नाम पे एमसीडी को नहीं मिल रहा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।